गुड इवनिंग तो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव गुप्ता एज यू नो आई इन अकेटरी प्रैक्टिस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम दोस्तों जिन डॉक्टर्स को आप जानते हैं आप जिनसे मिलते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मेडिकल डॉक्टर्स या सर्जिकल डॉक्टर्स दोस्त डॉक्टर्स डील विद द फिजिकल योर प्रॉब्लम्स चाहे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया डायबिटीज हो गई या और कोई बीमारी हो गई इन्फेक्शन हो गई किसी भी एज की जो बीमारी है देट डेल्ट विद फिजिशियंस और सर्जन्स और अदर स्पेशलिस्ट लेकिन मैं एक सकाटिस्ट हूँ मन रोगों का स्पेशलिस्ट हूँ मेरा काम इतने तो डिकेट्स का रहा है कि जो लोगों की सोल की प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनके माइंड की प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी मन की प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना उनको देखना समझना और उनका हल करना दैट इज़ माई जॉब दैट इज़ माई प्रोफेशन एंड दिस इज़ वॉट आई हैव बिन डूइंग डे आफ्टर डी लास्ट फोर्टी ईयर्स तो दोस्तों जैसे शरीर की बीमारियां हैं मन की बीमारियां हैं ये जो मरीज हमारे पास आते हैं मन की बीमारियों से आते हैं हर इंसान एक अलग जिंदगी को बिलोंग करता है अलग लाइफ को बिलोंग करता है और हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप देखते हैं समझते हैं तो आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिंदगी में अगर आपने कुछ सीखना है समझना है गेन करना है तो आपको सबमिट करना पड़ता है हम भारती बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं किसी गुरुद्वारा में जाते हैं तो हम सबसे पहले जब हम मेन स्थल के अंदर होते हैं तो वहाँ पे हम अपना मस्तिष्क झुकाते हैं परमात्मा की तरफ और अपने हृदय में अपने मन में अपनी आत्मा में हम शुक्रगुजार होते हैं कि हे परमात्मा कि तुम हमसे जुड़े रहो हम तुमसे जुड़े रहें और आपकी जब ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे रहें तो हम अपने मस्ति को झुका के उनको परमात्मा को प्रणाम करते हैं सो दिस इज द वे ऑफ सबमिटिंग योर सेल्फ जब एक सर्जरी के पास जाता है सर्जन के पास जाता है सर्जरी कराने के लिए तो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए अपने आप को सबमिट करता है जब एक स्टूडेंट एक स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है या किसी गुरुकुल में जाता है या किसी भी विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले वो अपने आप को उसमें सबमिट करता है आप देखेंगे कि जब बारिश का मौसम होता है जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बारिश होती है और जो ज़मीन प्लेन होती है इवन होती है वहाँ पे भी बारिश होती है लेकिन जो ऊंचे पहाड़ की बारिश है वहाँ पे पानी ज़्यादा देर नहीं ठहरता और जो ज़मीन बराबर है प्लेन है वहाँ पे पानी जो है बारिश का खेतों में एक लंबे समय के लिए ठहरता है जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब पानी पहाड़ों पर गिरता है कम समझ के लिए ठहरता है क्योंकि ज़मीन उस समय उस कंडीशन में नहीं होती कि उसको पकड़ पाए उसमें उसको एक लंबे टाइम के लिए अपने पास रखे लेकिन जो एक इवन स्पेस जगह है जो प्लेन जगह है वहाँ पानी काफ़ी देर तक फसलों में रहता है तो जो फसलें मैदानों में होती हैं वो पहाड़ों में नहीं हो सकती सो so, कई खेतियाँ हैं कई चीज़ें हैं जो खाली आप प्लेन जगह पे उगा सकते हो पहाड़ों में नहीं उगा सकते तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको जिस इंसान के पास वो एक्सपीरियंस है जिसके पास वो नॉलेज है जो विजडम है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में या मेडिसिन के क्षेत्र में ले लीजिए आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले लीजिए अकाउंट्स के ले लीजिए पॉलिटिक्स में ले लीजिए लाइफ के किसी भी क्षेत्र में चाहे आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको एक मास्टर शेफ के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ता है और अपने मन के अंदर एक दिमाग के अंदर एक हवस जगानी पड़ती है कि मुझे सीखना है एक स्ट्रांग डिज़ायर जगानी पड़ती है कि मुझे सीखना है अगर आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं है वो इच्छा नहीं है यू कैन बी ए स्टूडेंट इन द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड You can यू कैन गो टू द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड until that fire is there, that desire is there, आप उसको नहीं सीख पाएंगे इसे आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों के और कौरवों के बराबर के टीचर थे दोनों को पढ़ाते थे लेकिन उनका हर स्टूडेंट जो था हर विद्यार्थी जो था वो अर्जुन नहीं बन पाया जो अर्जुन ने शिक्षा ली जो दीक्षा ली वो बाकी नहीं कर पाए तो किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो अलग स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट एक ही क्लास के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर डिफरेंट चीज़ें ग्रहण करता है उस पर डिपेंड किसपे करता है कि क्या उसका जो ध्यान है या उसका मन है या जो मन की सीखने की इच्छा है वो कितनी है उसमें एकाग्रता कितनी है क्या उस समय वो अपने आप को उस लेक्चर में डबो पाता कि नहीं डबो पाता क्या उसका ध्यान इधर उधर तो नहीं रहता हजारों चीजें उसके मन में आती हैं क्या उस समय वो वहां पे फोकस कर पाता कि नहीं कर पाता इसे मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि एक ग्लास ऑफ जो पानी है बॉटल ऑफ वाटर है इसकी रेगिस्तान में क्या कीमत है एक इंसान रेगिस्तान में प्यासा है माइल जन माइल चलता है उसको पानी नहीं मिलता उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कीमती हीरा है कोहिनूर हीरा और आपके पास है पानी की एक बोतल। तो दोस्तों वो इंसान जिसके पास कोहिनूर हीरा है और आपके पास पानी की बोतल है जो मात्र पंद्रह बीस रुपए में किसी बड़े शहर में मिलती है और जब इस इंसान को जो प्यासा इंसान रेगिस्तान में माइल माइल्स जाता है उसको पानी नहीं मिलता क्या आप सोचते हैं कि पानी की बॉटल के लिए क्या आपको कोहिनूर नहीं दे देगा तो जिसके पास कोहिनूर है उसको तीव्र प्यास है वो एक पानी की बॉटल जो बीस रुपए में मिलती है उसके लिए अरबों रुपये का जो हीरा उसके पास है जिसको दुनिया में कीमत नहीं है को दे देगा। सिख भूखा इंसान है उसको कुछ दिन से खाने को कुछ नहीं मिल रहा और भूखा है और एक इंसान आके उसको दो सूखी रोटियां देता है बिना सब्जी के बिना किसी चीज के जो एक हफ्ता पहले बनाई गई थी क्या आप सोचते हैं वो जो इंसान है वो रोटियों को नहीं खाएगा वो टूट पड़ेगा तो क्यों टूट पड़ेगा क्योंकि उसके मन के अंदर उसे शरीर के अंदर जो भोजन की एक क्रेविंग है जो भूख है इतनी स्ट्रांग है कि वो दो चपातियां लेने के लिए टूट पड़ेगा तो जो पॉइंट मैं कन्वे करना चाहता था आपके साथ में वो ये है कि किसी भी चीज़ की कीमत तब पड़ती है जब आपके मन में उसके लिए क्रेविंग है उसके लिए इच्छा है अगर आपको भूख नहीं है तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फूड इवन जो बेस्ट शेफ जो है वर्ल्ड के उन्होंने बनाया होगा आप उसको नहीं खा सकते आपका मन नहीं करेगा क्योंकि आपको उसकी भूख नहीं है और तो जब आपको भूख है जब आपको खाना नहीं मिल रहा आपको भोजन नहीं मिल रहा तो सूखी चपाती भी आप खा लेंगे और उस सूखी चपाती के लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार होंगे क्योंकि पता है कि इस स्थान में इस जंगल में या इस रेगिस्तान में आपको दो सूखी चपाती या पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो दोस्तों बेसिकली आपके अंदर एक रिसेप्टिविटी होनी चाहिए एक इच्छा होनी चाहिए एक क्रेविंग होनी चाहिए एक फायर होनी चाहिए चीज को सीखने की वो तब आती है जब आप सोचते हैं कि मुझे इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है अगले स्टूडेंट टीचर के पास जाता है वो सोचता कि मेरी नॉलेज तो टीचर से ज्यादा है मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है मैं तो सिखाने आया हूं और उस स्टूडेंट को आप 20 साल 50 साल जिंदगी भर यूनिवर्सिटी में रखिए वो कुछ नहीं सीख पाएगा बिकॉज उसके जो मन का गरूर है जो उसके मन का घमंड है वो इतना ज्यादा है कि उसकी जो मन की रिसेप्टिविटी है वो कम हो जाती है या नहीं रहती तो एक अच्छे माहौल के अंदर भी जहाँ पे वो चीज़ को सीख सकता है जहाँ वो ज्ञान को बढ़ा सकता है ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकता है लेकिन क्योंकि उसके मन के अंदर वो इच्छा नहीं है वो इच्छा शक्ति नहीं है जब उसके मन के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो उस ज्ञान को नहीं ले पाएगा हमारे पास हजारों डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जिनके अंदर फिजिकल कैपेसिटी है शरीर ठीक है शरीर में कोई बीमारी नहीं है शरीर फिजिकल इलनेस से मुक्त है लेकिन काम करने की इच्छा उठ के नहाने की इच्छा शेव करने की इच्छा घर से बाहर निकल के वॉक करने की इच्छा जो है वो उनकी इच्छा शक्ति जो है नहीं है सो तंदुरुस्त शरीर के होते हुए भी जब उनकी इच्छा शक्ति नहीं है मन उनका उदास है डिप्रेशन के अंदर है तो उनको खाने की भूख नहीं लगती आप जितना मर्ची बढ़िया खाना उनके सामने रखिए उनको खाने की इच्छा नहीं होएगी। तो जो पॉइंट आज की टॉक के अंदर जो सिंगल पॉइंट में कन्वे करना चाहता था कि कुछ सीखने के लिए आप सर्जरी सीखना चाहते हैं तो एक यंग सर्जन जो बनना चाहता है वो एक सीनियर सर्जन के आगे अपने को सबमिट करता है जो छोटे छोटे काम एक सीनियर सर्जन उसको कहता है उनको करता है वो सीनियर सर्जन को काम करते वॉच करता है वो फिर जाके कुछ सालों के बाद की ट्रेनिंग के बाद वो अपने आप को सर्जन कहलाता है अगर उसको डिग्री सर्जरी की मिल भी जाती है दैट डज नॉट मीन किस लर्न सर्जरी सर्जरी लर्न करने के लिए उसको काफ़ी कुछ आगे भी करना पड़ता है सो फ्रेंड्स अनलेस यू सबमिट योरसेल्फ, टोटली मेंटली एंड फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ गुड लर्निंग एंड अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो जो लोग आपसे जिंदगी में आगे हैं उस रिश्ते के अंदर उस धारा के अंदर उस पगडंडी के अंदर आपको उनको फॉलो करना पड़ता है सी अक्सर आप देखते हैं कि आप कहीं जाना चाहते हैं अब तो आप गूगल मैप्स हो गए जाना आसान हो गया अक्सर आप देखते हैं आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप किससे पूछते हैं कि भैया मैंने वहां जाना रास्ता कौन सा है वो आप कहता है दोस्त मैं वहीं जा रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे आइए सो देन यू हैव टू फॉलो दैट पर्सन सिमिलरली ए गुड स्टूडेंट स्टूडेंट हु हैज ग्रेट डिजायर टू लर्न लाइफ देन दैट स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ही शुड फॉलो दैट सिस्टम सो दोस्तों जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ सीखने के लिए और जिससे आप सीखना चाहते हैं जिस सिस्टम के अंदर आप सीखना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा हम्बलनेस दिखानी पड़ेगी अगर आप एरोगेंट हैं आप एंग्री मूड में रहते हैं और उसमें आपकी जो सीखने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी आप, आप इस जरूर में रहते हैं कि मुझे तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है मैं ज्ञाता हूँ फिर आपके मन के अंदर दिमाग के अंदर जो नई इंफॉर्मेशन है नए एक्सपीरियंसेस हैं नई नॉलेज है वो नहीं आएगी सो फ्रेंड्स विद दिस फिफ्टीन सिक्सटी मिनट्स टॉक आई वांट टू एंड माय टॉक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड शेयरिंग माई वीडियोज थैंक यू सो मच गुड नाइट हैव ए नाइस डिनर